गैर संजीदगी, लड़ाई झगड़ा और बेहूदगी, साबिक वजीर इत्तिलात फवाद चौधरी का जहर अफशानी में नहीं कोई सानी। तहरीक इंसाफ की मुकद्दस गाय फवाद चौधरी मुतनाज़े बयानात से पार्टी का तशख्खुस खराब करने की वजह बनते रहे। कभी सेनेट में दाखिले पर पाबंदी लगी तो कभी सुप्रीम कोर्ट में तलब करके सरजनिश की गई। फवाद चौधरी के पार्टी रहनुमाओं से इख्तलाफात भी ढकी छुपी बात नहीं। फवाद भी मेरा भाई है, हम फैमिली मेंबर हैं सारे, हम बैठेंगे आपके साथ भी बिठाएंगे उसको और इस चीज की रियलाइजेशन करेंगे कि हमें किसी की जात को टारगेट करके, समी इब्राहिम साहब भी एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट है। सामी इब्राहिम सहाफत में एक मोतबर नाम है, उनके मुतालिक फवाद चौधरी ने जो जुबान इस्तेमाल की वो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म के मौवने खुसूसी बराए इत्तलात का कहना है कि मामला हल करने की कोशिश करेंगे। फवाद चौधरी अपने काम से काम रखें, वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफ़ज़ई की शदअप कॉल। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी रातों रात मुफ्ती बन बैठे, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ मजहबी उमूर की वजारत में भी टांग अड़ाने लगे। मीडिया के बाद उलमा और मजहबी तबके पर तनकीद ने हुकूमत के लिए नए मसाइल खड़े कर दिए। चौधरी साहब आखिर किसके एजेंडे पर अमल पैरा हैं? सोशल मीडिया पर भी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मजाक बन गया।